हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं दीपक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिनेमा एंड पॉपकॉर्न पे। सर्दियों का मौसम आ चुका है और साथ ही साथ साउथ के कुछ बेहतरीन मूवी इन सर्दियों के मौसम में ही रिलीज़ होने वाली है, जो आपके सर्दियों के मौसम के आनंद को डबल करने का काम करेंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ साउथ इंडिया की मोस्ट अवेटेड मूवी पुष्पा के बारे में, जो 17 दिसंबर को रिलीज़ हो चुकी है। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही रहे नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अल्लू अर्जुन और रश्मिका की फिल्म पुष्पा द राइज का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब यह इंतजार खत्म हो गया है और फिल्म 17 दिसंबर को रिलीज़ हो चुकी है। यह फिल्म कई भाषाओं में रिलीज़ हुई है। तस्करी पर बनी इस फिल्म से दर्शकों को बहुत उम्मीदें थीं। आइए आपको बताते हैं कि क्या यह फिल्म लोगों की उम्मीदों पर खरी उतर पाई है या नहीं। पुष्पा बॉलीवुड एक्शन थ्रिलर ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन सुकुमार द्वारा किया गया है। इस फिल्म में अल्लू अर्जुन, रश्मिका राव, रमेश, धनंजय, अनुष्का भारद्वाज और अजय घोष जैसे स्टार कास्ट नजर आए हैं। यह फिल्म हिंदी समेत 5 भाषाओं में रिलीज हुई है। बात करें मूवी के स्टोरी लाइन के बारे में, तो यह कहानी है पुष्पा राज की, जिसका किरदार अल्लू अर्जुन ने निभाया है। पुष्पा राज एक मजदूर है जो अपने मालिकों कोंडा रेड्डी, जली रेड्डी, जक्का रेड्डी के लिए चंदन की लकड़ियों का अवैध तस्करी करता है। इसी के बीच उसे दूध बेचने वाली श्री वल्लवी से प्यार हो जाता है। इस प्यार वाले एंगल के बीच कहानी का दूसरा ट्रैक भी चलता है। मंगलम श्रीनु तस्करी के लकड़ियों को चेन्नई तक पहुँचाता है। मंगलम श्रीनु इसके लिए प्रति टन 2 करोड़ रुपये लेता है, जबकि बदले में कोंडा को वह प्रति टन सिर्फ 25 लाख रुपये देता है। पुष्पा को जब यह बात पता चलती है तो वह श्रीनु से बात करने के लिए उसे बुलाता है और यहां से दुश्मनी का सिलसिला शुरू होता है। इसी दौरान उसका पुलिस डिपार्टमेंट से भी पाला पड़ता है। एक मजदूर का क्राइम की दुनिया का बेताज बादशाह बनने की कहानी नई नहीं है, लेकिन आप जब इस मूवी को देखेंगे आपको सब कुछ नया सा लगेगा। तस्करी की साजिश को बेस करके मूवी को आगे बढ़ाने का काम किया जाता है। फिल्म में आगे क्या क्या होता है यह जानने के लिए आपको पूरी फिल्म देखनी होगी। फिल्म काफ़ी इंगेजिंग है, आपको कहीं भी फिल्म बोर नहीं करेगी। बात करें एक्टिंग की, तो रश्मिका के लुक्स फिल्म में काफ़ी अलग है, मगर वह लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरती नजर आई है। पुष्पा द राइज वन मैन आर्मी लगी। पूरे फिल्म में अल्लू अर्जुन ही नजर आए हैं। उनकी बॉडी, डायलॉग डिलीवरी और एक्शन काफ़ी शानदार है। फहद हासिल की एंट्री फिल्म में आखिर में होती है, मगर उन्होंने थोड़े ही समय में अपना प्रभाव ऑडियंस पर छोड़ दिया है। समांथा प्रभु का आइटम सॉन्ग और अल्लू अर्जुन का डांस नंबर फिल्म को इंटरटेनिंग और इंगेजिंग बनाती है। एक्शन से भरपूर इस फिल्म को जरूर देखने जाना चाहिए। अल्लू अर्जुन लंबे समय बाद फिल्म को लेकर आए हैं और साथ ही एक नई जोड़ी फिल्म में देखने को मिली है। आप इस मूवी को मिस नहीं कर सकते। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक कर देना, और आपको ये मूवी कैसी लगी और आप कितना इंटरेस्टेड है इस मूवी को देखने के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल किसी अन्य मूवी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।